हे दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे वीआरबी और वीआरएफ सिस्टम के मुताबिक। सो बेसिकली ये एक ही सिस्टम है, एक ही सिस्टम के दो नाम है, जैसे कि वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। सो डाइकिन कंपनी ने 1982 में यह सिस्टम लॉन्च किया और डाइकिन ने इस पेटेंट को अपना नाम दिया और उसका नाम वीआरबी रखा, जबकि दूसरी कंपनीज ने सानियो, पैनासोनिक, एलजी, सैमसंग, इन कंपनियों ने इस सिस्टम को यूज़ करके इसका नाम रखा वीआरएफ। सो बेसिकली ये फंक्शन एक ही है कि ये इसको रेफ्रिजरेंट को उसकी ज़रूरत के मुताबिक ऑपरेट करते हैं। सो ये एक टाइम पे हम एक आउटडोर के साथ तकरीबन 60 इंडोर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जो है वो डिफरेंट उसकी कैपेसिटी के हो सकते हैं, जैसे कि कोई 1 टन का हो सकता है, 1.5 टन का हो सकता है, 2 टन का हो सकता है, फिर उसके अलावा कैसेट टाइप हो सकते हैं, फ्लो स्ट्रैंडिंग हो सकते हैं, और इस तरह से जो है ये आप डिफरेंट मॉडल्स में आप यूज़ कर सकते हैं। एक फ्लोर पे अगर आपने फ्लो स्ट्रैंडिंग लगाया तो दूसरे पे आप कैसेट टाइप लगा सकते हैं। सो ये अभी हम समझने के लिए एक आउटडोर के साथ 3 इनडोर कनेक्ट कर दिए हैं। तो जैसे हम इन 3 यूनिट्स को उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो ये एक टाइम पे एक आउटडोर के साथ 3 ऑपरेट होंगे, और इसके अंदर जो कंप्रेसर यूज़ हुआ है वो इन्वर्टर कंप्रेसर यूज़ हुआ है। तो इसके अंदर एक वीएफटी सिस्टम होता है, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, ये जो है फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करता है, तो इस तरह से इसकी वर्किंग है। सो जैसे कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक पहले एक इंडोर हमने ऑन किया तो आउटडोर स्टार्ट हो गया, आउटडोर समझे के 25% के हिसाब से वर्किंग कर रहा है। उसके बाद जब ज़रूरत के तहत दूसरा इंडोर ऑन होगा तो वो जो कंप्रेसर जो 25% पे काम कर रहा था वो 50% पे काम करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब तीनों यूनिट्स काम करना शुरू हो जाएंगे तो वही सिस्टम जो है दोबारा जो है 75% या 80% पे काम करना शुरू हो जाएगा। सो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, और जैसे डिज़ायर टेम्परेचर आ जाते हैं तो उसके बाद ये वीएफडी से कंट्रोल होकर उस यूनिट्स को रेफ्रिजरेंट कम देता है। सो बेसिकली वीआरबी और वीआरएफ जो है एक ही सिस्टम के दो नाम हैं, जैसे कि डाइकिन कंपनी ने वीआरबी का नाम दिया और बाकी कंपनीज़ ने वीआरएफ का नाम दिया। सो सिंपल यूनिट्स में एक इंडोर होता है और दूसरा आउटडोर होता है, सो इस तरह से कूलिंग कर रहा होता है। लेकिन ये है कि वीआरएफ में जो है इस तरह से नहीं है, वीआरएफ में जो है हम ज़रूरत के हिसाब से इंडोर आउटडोर वो कर सकते हैं। बाकी ये है कि ये कंपनीज के दिए गए नाम हैं, वेरिएबल एयर रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम और फ्लो और वॉल्यूम का फ़र्क है।